हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देकर क्लास 11th में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे गाइज, सबसे पहले मैं क्लियर एक बात कर दूं कि ये जो 2 साल होने वाला है, मतलब क्लास 10th से आप 11th में जा रहे हो, यानी कि 11th और उसके बाद 12th, ये जो 2 साल होने वाला है आपके पूरे लाइफ का एकदम एग्जैक्ट प्राइम टाइम होने वाला है। ठीक है, प्राइम टाइम क्यों? क्योंकि देखो, कहा जाता है और ये बात हद तक क्या मतलब सही ही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस साल में, इस 2 साल में अगर अच्छे से मेहनत कर ले तो मैक्सिमम चांसेस रहता है, मतलब 99% चांसेस रहता है कि वो कहीं अच्छे जगह पे चला जाएगा, यानी उसका कैरियर कहीं ना कहीं अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम में, ये जो टाइम है काफ़ी प्राइम टाइम है, इस टाइम में अगर आप अपने एनर्जी का यूज़ गलत चीज़ों में कर रहे हो, यानी कि कहीं भी फेसबुक चैटिंग, फाइटिंग, व्हाट्सएप, बहुत सारा चीज़ें हैं, पबजी, तो उसमें आप अगर इसका यूज़ कर रहे हो तो मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप अच्छे जगह पे जाओगे, सक्सेस करोगे। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है, कोई कोई एग्जांपल ले लेता है कि देखो वो ऐसा करता था लेकिन आज सक्सेस है। ठीक है, तो वो बहुत कम चांसेस रहता है, लगभग 1% चांसेस रहता है, ठीक है, कि कोई मस्ती करे और वो अच्छा कर जाए। तो इसलिए आपको अच्छा सेलेक्ट करना है, यानी वैसा सेलेक्ट करना है जिसमें आपको सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम का, ये 2 साल टाइम का आपको अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, ताकि मतलब आपका एम क्या है, आपको यही चाहिए ना कि आप कहीं अच्छे जगह पे चले जाओ, कहीं अच्छे मतलब अच्छा पैसा कमाओ या अच्छा एक आदमी बन जाओ, अच्छा एक रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब के लिए तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करोगे तो मतलब आपका पढ़ाई जो है उसमें मतलब और ज़्यादा मन लगेगा और मतलब एक अंदर से एनर्जी आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो गाइस देखो, होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 10th तो चलो पास कर लिए, अब ऐसा करते हैं पहले 11th 12th देखते हैं। ठीक है, 11th 12th पहले सिर्फ बोर्ड देखते हैं, बोर्ड पर फोकस करते हैं, अभी बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखो उनका क्या होता है, उनका पूरा गड़बड़ हो जाता है। कैसे, देखो एक लॉजिक है, मेन है 12th बोर्ड होता है, जिनको सिर्फ बोर्ड देखना उनके लिए सिर्फ मेन होता है 12th बोर्ड। 11th का एक भी चीज़ 12th में नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि ऑफिशियली वैसे कंसेप्ट तो आएगा लेकिन 11th का जो टॉपिक है वो 12th में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड सब कुछ है। अब देखो क्या होता है, वो 11th को स्किप करना शुरू कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट का गोल होता है कि नहीं पहले हमको बोर्ड करना है फिर उसके बाद कुछ करना है, तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे 11th तो आएगा नहीं कहीं, तो ऐसा करते हैं कि 11th नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब मस्ती करते हैं, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब वो 12th क्लास में आते हैं, तो जब वो 12th क्लास में आते हैं तो उसमें तो 11th में जो भी चीज़ें होता है वो सब रिलेटेड मिलता है, मतलब 12th में वो सारा चीज़ें भी मिलता है जो ऑलरेडी 11th में पढ़ना था। ठीक है, और वहाँ तो वो पढ़े नहीं है, मस्ती किए हैं, तो होता क्या है कि उनका यहाँ भी स्किप मतलब मजबूरी में करना पड़ जाता है क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, फिर उनका 12th भी गड़बड़ हो जाता है, फिर वो किसी लायक नहीं रह जाते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये माइंड से निकाल देना है कि केवल हमको बोर्ड करना है। ठीक है, आपको माइंड में रखना है कि हमको बोर्ड करना है और साथ में एक और हमारे पास कोई एम होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड के अलावा हमारे पास एक और कोई एम होना चाहिए, क्योंकि देखो बोर्ड, सिर्फ बोर्ड करोगे तो सोचो, मान लो 12th बोर्ड कर ही लिए, मान लो आप भटके नहीं, आप अच्छे से 12th बोर्ड कर ही लिए, तो उसके बाद 12th बोर्ड के बाद सोचोगे अब क्या करें। ठीक है, तो कोई कंपटीशन का सोचोगे या कोई भी चीज़ का सोचोगे तो फिर तो आपको फिर टाइम लग जाएगा ना, फिर वो 1-2 साल फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना आप 11th 12th में हो तो इसी बीच में आपका जो एनर्जी है 100% आप अपने एनर्जी का यूज़ करो। ठीक है, आपको और करना ही क्या है, तो उस एनर्जी का यूज़ करके आप जब 11th 12th में हो तो इसी बीच में क्यों ना एक एम फिक्स कर लिया जाए स्टार्टिंग में ही, और उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, मतलब उस पर स्टार्टिंग से ही 11th 12th से ही उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया जाए, और जब मेरा 11th 12th क्लियर होगा तो साथ में मेरा ये भी क्लियर हो जाएगा, यानी उस टाइम में आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कहलाओगे।
ठीक है, अगर वो आप क्लियर कर लेते हो तो ठीक है। तो ये मतलब सोचना है। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैथ्स लेते हैं उनको मैक्सिमम जो होते हैं उनको सबसे पहले करना होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग करना है तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंजीनियरिंग कहाँ से करना है, तो माइंड आंसर करेगा कि सबसे बेस्ट कॉलेज से करना है, सबसे अच्छे कॉलेज से करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो IIT और NITs है, और भी कोई और भी गवर्नमेंट कॉलेज कुछ है, तो उसके लिए आपको देना होगा एग्ज़ाम कौन सा, तो JEE मेन, ठीक है, और JEE एडवांस। तो JEE मेन और JEE एडवांस आपको देना होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम के बारे, ये एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि JEE मेन अगर आप देते हो उसमें आप क्वालिफाई करते हो, फिर उसके बाद JEE एडवांस आपका होगा उसमें क्वालिफाई करते हो, तो आपका एडमिशन होगा IIT कॉलेज में, जो कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज है फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। आप इसका नाम तो सुने होगे ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको इस प्रोसेस से होके गुजरना होगा, ठीक है। और आपको चाहिए अगर NITs, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए आपको JEE मेन में ही अच्छा करना होगा। JEE मेन में अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा रैंक लाते हो, तो आपको ये आपके रैंक के अकॉर्डिंग NITs कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब तो डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये सोचना है, आपको गोल रखना है कि हमको कुछ करना है, जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए JEE मेन और JEE एडवांस के लिए अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देना होगा, ठीक है। और साथ में आपको और भी अदर बोर्ड में कहीं लेना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल JEE यानी WB JEE का एग्ज़ाम भी देते हैं, वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। या कोई अदर स्टेट बोर्ड का इंजीनियरिंग कंपटीशन देना चाहते हैं, तो वो सब के लिए अभी से ही आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग। अब कुछ स्टूडेंट है जिनको इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, ठीक है, तो मैक्सिमम का होता है कि हम कोई अच्छा मतलब पद पे जाएं, अच्छा ऑफिसर बनें, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका गोल एक आ जाता है, वो होता है NDA, ठीक है। तो देखो ये पहले बताते थे, इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो ये JEE मेन और JEE एडवांस, इसमें तीन चीज़ पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है, ठीक है। क्या एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है वो बाद में कभी बता दिया जाएगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो देखो मेरा टॉपिक आ गया ना मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। देखो बोर्ड के लिए क्या होता है, बोर्ड के लिए आप कैसे भी पढ़ लोगे तो बोर्ड निकल जाएगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए ये जो मैथमेटिक्स है इसको पूरा एकदम डीप में पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। मतलब कि पूरा उसको डीप में जाना है, फिर जाके इसका क्वेश्चन आप टच कर पाओगे, ठीक है। तो क्यों ना हम अब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा मेहनत पूरा जोर लगा के थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मतलब कि ये अपना पढ़ाई पूरा करना है, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं NDA। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब होता है एम कि चलो हम NDA का एग्ज़ाम देंगे, NDA क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें दो पेपर होता है और एक पेपर पूरे मैथ्स का होता है, ठीक है। एक पेपर पूरे मैथ्स का होता है, और वो मैथ्स कहाँ से पूछा जाता है, तो 11th एंड 12th का सिलेबस, पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस रहता है, ठीक है। और एक जो पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स मतलब सब कुछ होता है, इंग्लिश, ठीक है, एवरीथिंग होता है। दूसरा जो NDA का पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जनरल एबिलिटी ऐसे कुछ नाम होता है। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक पेपर पूरा मैथमेटिक्स ही रहता है, तो आपको तो मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो JEE मेन हो, JEE एडवांस हो, चाहे NDA हो, वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ, ठीक है। या बहुत सारे स्टूडेंट का और भी कोई अगर कंपटीशन एग्ज़ाम का अगर एम हो, मतलब कि अंदर से हो कि हमको ये कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए भी वहाँ भी मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी एग्ज़ाम आप उठाओ, देखो वहाँ पे मैथ्स, बिना मैथ्स का तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है उसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मैं भी उसी टाइप से पढ़ाऊँगा कि आपका
ये केवल 11th और 12th ना हो, बल्कि आपका मतलब जो एम है उसको आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये माइंड में सोच लेना है कि मेरा एम क्या है, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। ये सोच के पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगा, आप भी अपने पढ़ाई के प्रति ज़्यादा फोकस रह पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपका एम रहेगा, अब सोचो आप एम रख रहे हो, ठीक है, कि हमको ये चीज़ बनना है, ठीक है, हमको ऑफिसर बनना है या हमको इंजीनियर बनना है, हमको इतना सैलरी कमाना है, ठीक है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, जो भी आप एम रखोगे। ठीक है, तो एम रखोगे तो माइंड में घूमता रहेगा कि नहीं हमको वो काम करना है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, जैसे क्या आपको पढ़ना पड़ेगा बस। तो जैसे ही सोचोगे हमारा ये एम है, हमको ये चीज़ बनना है, ठीक है, तो माइंड में आएगा कैसे बनोगे, तो पढ़ के बनोगे, माइंड ही बोलेगा कि पढ़ के ही बना जा सकता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंदर से मतलब एक एनर्जी आएगा अपने आप से कि मतलब पढ़ने बैठे, अपने आप से मतलब आएगा, अपने मतलब अंदर से एनर्जी आएगा कि हम खुद से पढ़ें। ठीक है, तो ये सबसे काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि जो आपका पढ़ाई हो वो इसी मतलब साथ में 11th 12th के साथ में आपका कोई एम भी क्लियर होते जाए। ठीक है, साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है, आप अभी जिस क्लास में आए हो, ठीक है, और जो सब्जेक्ट चूज़ किए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए आपको मतलब जो भी भटकने वाला चीज़ है उससे दूर रहना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है, अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भटका सकती हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सबसे प्रयास करना है कि उससे थोड़ा दूर ही रहें। ठीक है, बहुत कम अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम यूज़ करें या उसको छोड़ ही दें। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एम कंप्लीट करना है ना, टिकटॉक देख के क्या करोगे, पबजी खेल के क्या करोगे, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना, ताकि आप मतलब ज़्यादा फोकस रह पाओ अपने एम के प्रति। और गाइज एक ये भी है, एम आप सही से रख लेते हो ना, कि मतलब आप अंदर से सोच लेते हो नहीं हमको ये काम करना ही है, ठीक है, तो ये सब जो है, ये भटकाने वाला जितना चीज़ें हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको प्रयास करना है कि आप अपना एक एम सेलेक्ट करो अच्छे से, और तब जाके पढ़ाई स्टार्ट करो, तब बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं अभी बोलूँगा नहीं, अब आगे और भी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जैसे आप एम रखते हो तो उससे रिलेटेड हम लोग और भी आगे बातें करेंगे, या आप जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई से रिलेटेड कैसे और पढ़ाई करना है वो सब भी हम लोग बातें करेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, ये जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो इसका आप बनाते जाना नोट्स। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई होगी उसको आप एक कॉपी में लिखते जाना, वीडियो को पॉज करके, जैसे वीडियो जैसे कुछ लिखवाया गया या कोई कंसेप्ट बोला गया वहाँ पे आगे बढ़ गया या उसको मिटा दिया गया, ठीक है, तो आप वीडियो को पीछे करो, उसको पॉज करो और उस चीज़ को नोट करो। ठीक है, और ऐसे ही नोट करते जाओगे, फिर जो यहाँ पे होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है, होमवर्क फिर उसको बनाओगे, तो ये एकदम आपका क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, वैसे भी देखो, वैसे भी ये जो ऑनलाइन क्लासेज है इसमें क्लासरूम वाला फीलिंग लाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप ये देख रहे हो ये, और बगल से कुछ आ जाए, मतलब कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, कोई आपकी फोटो पे कमेंट किया या कुछ भी किया, तो फिर आप उसमें चले जाते हो, तो काफ़ी ये थोड़ा सा टफ होता है कंसंट्रेशन लाना। लेकिन आप ऐसे करोगे पढ़ाई, मतलब सब कुछ लिखते जाओगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहोगे और होमवर्क वोमवर्क बनाते रहोगे, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप ज़्यादा कंसंट्रेट होगे, पढ़ पाओगे। तो सबसे मेरा सबसे पहले मेरा यही कहना है कि आप मतलब बिना कॉपी का नहीं बैठना, वीडियो देखने बिना कॉपी का नहीं बैठना, कॉपी लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना, और सब जो भी चीज़ें लिखवाया जाए उसको लिखते जाना। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स। तो देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th के सिलेबस में, ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमको कंप्लीट करना है। अब देखो मैं ये जो बता रहा हूँ वो मतलब पिछले साल का, यानी 2020 का, ये मतलब 2019-20 का ये पैटर्न है। अब देखो इस साल कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक
इस पैंडेमिक के वजह से हो सकता है कि ये मतलब कि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हो, ठीक है, और ये मतलब HRD मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर हो भी गया है कि उसमें बदलाव किया जाए, ठीक है, मतलब कम किया जाए थोड़ा सिलेबस, ठीक है। तो अभी मैं जो सिलेबस बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस है 2019-20 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है सेट, ठीक है, सेट थ्योरी में आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। फिर पढ़ना है सेट थ्योरी में ही आपको रिलेशन, ठीक है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन, ठीक है। फंक्शन भी है तो उसको मैं कैलकुलस में एंटर करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले सेट एंड रिलेशन पढ़ना है। फिर आता है एक बहुत बड़ा पार्ट, वो है ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में छोटा छोटा ढेर सारा पार्ट होगा, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। टेंथ क्लास में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा, लेकिन बस उसमें ये पार्ट मात्र पढ़ना होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज, वो भी बहुत कम, इसमें तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत कम वहाँ पे पढ़ना था। चलो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ठीक है। फिर इसके आगे हमको ट्रिगो में ही पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसी को बोला जाता है साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमको यही साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला पढ़ना होता है। फिर इसमें हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इतना सारा पार्ट ट्रिगो में पढ़ना है, ठीक है, टेंथ में बहुत कम, सिर्फ यही पढ़ना था, इसमें से भी कुछ पार्ट, यहां पे हम लोग को ट्रिगो में इतना पार्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा जो है इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहला सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी में आएगा AP GP HP, ठीक है, और कुछ स्पेशल सीरीज। तो AP सिर्फ आप क्लास टेंथ में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग AP के साथ GP और HP पढ़ेंगे और बहुत सारे सीरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें बाइनोमियल थ्योरम, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये इतना सारा पार्ट हमको एलजेब्रा में पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है आगे नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें सर्कल, और फिर पाराबोला
नाम कुछ अजीब टाइप लगेगा ठीक है, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद सब पहचान हो जाएगा सबसे, ठीक है, लगेगा कि सब अपना है। फिर होगा इलिप्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाइपरबोला, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर अब यहाँ पे इलेवेंथ में जो हम लोग को थोड़ा सा मिलेगा वो है कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस एकदम थोड़ा सा मिलेगा। ये सबसे पहले मिलेगा फंक्शन, फिर हम लोग को मिलेगा लिमिट, और फिर मिलेगा डेरिवेटिव का कुछ पार्ट, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट हम लोग को यहाँ पे कैलकुलस में यहाँ एलेवेंथ में ही पढ़ना, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे 3D, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, जैसे 2D होता है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं 2D, और फिर हम लोग को पढ़ना है 3D, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ 3D जो है वो मेन 12th में पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ना है एस्टेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, और फिर हम लोग को पढ़ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फिर यहां बता दे, प्रोबेबिलिटी जो है वो मेन 12th में पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ पे 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज 3D, उसके बाद से देखो फंक्शन जो है, फंक्शन भी कुछ पार्ट 11th में है, कुछ पार्ट 12th में है, डेरिवेटिव भी कुछ पार्ट 11th में है, कुछ पार्ट 12th में है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग को पढ़ना है, ये तो छोटा छोटा चीज है, मेन हम लोग को जो है यहाँ पे 11th में वो मिलेगा क्या, तो तीन चीज क्या, ये भी छोटा है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन काफी छोटा है। मेन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे देखो ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे क्लास 11th में। फिर देखो एलजेब्रा बहुत ज्यादा पढ़ना है, और ये सब कुछ, ये मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप AP पढ़े हो और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक, बाकी सभी ये जितना भी है सारा नया नया चीज मिलेगा, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी ज्यादा 11th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो पूरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एंड फिर थोड़ा थोड़ा ये सब पढ़ना है, ठीक है। कैलकुलस बहुत कम, कैलकुलस बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पार्ट है एक, ठीक है, उसमें से काफी छोटा एकदम इत्तू सा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको 3D यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग छोटा टॉपिक है, स्टेटिस्टिक्स भी छोटा टॉपिक है, और फिर देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी का हल्का सा झलक, ठीक है। तो ये सारा हुआ 11th का टॉपिक। तो हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना वो है क्या, तो वो है सेट थ्योरी। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से पढ़ना, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। हाँ, एक चीज यहाँ पे और बता दूं, ये सब तो सिलेबस है, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है वो है फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉगरिथम। देखो क्योंकि लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम हर एक टॉपिक में या बहुत ज्यादा जगह मतलब ये इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग फंडामेंटल में पढ़ेंगे लॉगरिथम, एंड और भी जैसे हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, ठीक है, उसके बाद से इनइक्वालिटी। तो ये सब कुछ कुछ मतलब फंडामेंटल का टॉपिक है वो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी मई आ चुका है, ठीक है, अप्रैल से जनरली स्टार्ट होता है, तो हम लोग ये एक एक चीज पढ़ते हैं। बट देखो लॉगरिथम जो है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लॉगरिथम हम लोग इसलिए भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग बीच में पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ने के बाद एक्चुअली लॉगरिथम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो लॉगरिथम में जो है वो क्वाड्रेटिक का बहुत ज्यादा यूज आ जाता है, ठीक है। वैसे ही ये सब जो टॉपिक है ये सब भी, अब जैसे देखो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी भी हम लोग जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है तो वहीं पे हम लोग इसको पढ़ लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग इसको फंडामेंटल में पहले पढ़ते हैं, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज में जाके पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहीं पे इसको पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है बात मॉडुलस का, तो मॉडुलस जो है वो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल में जो चीजें हैं वो भी आपको करा दी जाएगी, कब, तो बीच में, ठीक है, क्वाड्रेटिक और ये सब हो जाएगा तो लॉग हो जाएगा,
और इसी तरह ये इनइक्वालिटी तो पूरा टॉपिक ही है, और मॉडुलस जो है वो हम लोग को पढ़ने को मिल जाएगा कब, तो फंक्शन पढ़ते टाइम में, ठीक है। तो फंडामेंटल का बिल्कुल भी ये नहीं रखना है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। सेट हम लोग देखे थे, सेट का डिफिनीशन, सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं एक इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनीशन, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। यहाँ पे बोले ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब बोलोगे कि ये यहाँ पे आप जो लिखे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही, इसी को समझना है, इसी को आप समझ गए तो सेट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोले हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब देखो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम दें, बोले कि मान लो हम यहाँ पे लिखे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बात लिखे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। अब ये बात पढ़ के कोई भी जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी होगा उसके माइंड में क्या आएगा, हम बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो माइंड में यही आएगा ना कि 20 से छोटा नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक, 19 तक। बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो सभी बच्चे के दिमाग में यही बात आएगा, यानी बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये जो लिखे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, ये कैसा है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन, कैसा कलेक्शन है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 क्या है, तो एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, देखो एक साल के सभी मंथ्स का कलेक्शन, तो आप क्या सबके दिमाग में क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई जो कि चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब पूरा कहाँ तक, तो दिसंबर तक। ये 12, ये यहाँ पे 12 एलिमेंट का ये आपको एक माइंड में कलेक्शन आएगा, ठीक है। और सभी के माइंड में यही आएगा, अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो सभी के माइंड में यही चीज चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये भी बोलेंगे कि ये भी क्या है, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर भी एक सेट होगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप तो केवल वही चीज बता रहे हैं जो सेट हो रहा है, एक ऐसा भी तो बताइए जो सेट नहीं होता है, तो लो बताते हैं। अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी मूवी, ठीक है। अब देखो हम बोले कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी मूवी, ठीक है, तो अब सोचो आपके माइंड में क्या चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिए कि कैसे, किस क्राइटेरिया से गुड हिंदी मूवी, ऐसे ही बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी मूवी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो कि हम एक स्टूडेंट को दे लिखने को, या किसी को बोले कि इसका सेट बनाओ, कलेक्शन बनाओ, ठीक है। तो वो हो सकता है कि कुछ बना दे, थ्री इडियट्स, कुछ भी बना दे अपना, मान लो कि कोई भी, मान लो कि अपना सेट बनाए। फिर हो सकता है कि किसी बच्चे को दे तो कोई और सेट बनाए, हो सकता है कि उसका फेवरेट मूवी का लिस्ट कुछ और हो, फिर तीसरे बच्चे को दे तो वो कुछ और हो सकता है कि लिस्ट बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी मूवी,
ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट इसके बारे में अलग अलग सोच रहे हैं, ठीक है, कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोले कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो सभी लोग यही सोचेंगे, किसी को भी बोले कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो सबके माइंड में यही चीज चलेगा। लेकिन बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल हिंदी मूवी, तो हो सकता है कि किसी को रेस 3 भी पसंद हो, ठीक है, तो क्या वो अपना लिस्ट में रेस 3 रखेगा? हो सकता है कि किसी को नहीं पसंद हो तो उसको नहीं रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे कि ये जो चीज है कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी मूवी, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी बोलेंगे कि ये सेट नहीं होगा, ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं होगा। तो गाइज हो सकता है, मतलब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है। और एक देते हैं एग्जाम्पल, मान लो अगर हम लिखें कलेक्शन ऑफ क्या गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, बोले कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। अब यहां पे हम लिस्ट करना शुरू करें, ठीक है, तो मतलब यहां पे भी क्या होगा, यहां पे कोई स्टूडेंट कुछ बोलेगा, कोई स्टूडेंट कुछ बोलेगा, ठीक है। यहां पे कोई फिक्स क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है, गुड क्रिकेट प्लेयर्स किस बेसिस पे, ज्यादा रन बनाने पे या ज्यादा कुछ बनाने पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दो विराट कोहली, अब कोई बच्चा बोलेगा सर विराट कोहली कैसे गुड हो गया, वो तो एक भी बार आरसीबी को नहीं जीता पाया, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। हम यहाँ पे अगर धोनी लिखना शुरू करें तो कोई अब धोनी का जो सपोर्टर नहीं होगा बोलेगा नहीं वो अच्छा प्लेयर नहीं है, ठीक है। या कोई किसी को कोई भी पसंद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है गुड कहने के लिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी सेट नहीं होगा, नॉट सेट, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को बोलते हैं सेट, एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे लिखना है नोट में, एक चीज जो है वो है नोट, सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ये एक सेट हो गया, इसको हम लोग जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक सेट हो गया, इसको हम लोग ए से या बी से या सी से ऐसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या नोट फर्स्ट में, कि सेट इज डिनोटेड बाई, सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सेट को जनरली किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर से, ठीक है। और ये जो है ये तो सेट हो गया, ये सेट हो गया, और ये सब होता है इसका एलिमेंट, ये सब क्या होता है एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम लोग कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है, लेकिन उसको कैसे भी किया जा सकता है, हम लोग एलिमेंट के जगह पे कुछ नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग डिजिट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और डिनोट करने की जब बारी आए तो हम लोग जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको पहले हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, लो लिख देते हैं ए इक्वल टू होता है 1 2 3 4, मान लो ये सेट है, तो ये सेट है, ये सेट का नाम क्या है, ये बड़ा सा एक सेट है, और इसका नाम क्या है, तो ये सेट ए है, ये कैसा सेट है, तो सेट ए है, देखो कैपिटल लेटर से डिनोट हुआ, और ये सब जो है वो सेट का एलिमेंट है, ये सेट का क्या है एलिमेंट है, ये एक और एलिमेंट हो गया, ये 3 भी एक एलिमेंट है और 4 भी एक एलिमेंट है। यहाँ पे लो लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, ये सेट ए, चलो सेट ए लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, तो सेट ए का एलिमेंट है, और ये पूरा हमको हम लोग इसको ब्रैकेट में घेर के लिख दिए एक कैपिटल लेटर से, तो ये बन गया एक सेट, ठीक है। चलिए अब दूसरा नोट यहां पे देखना है, नोट टू यहां पे देखना है एक सिंबल के बारे में, ठीक है, सिंबल ये ऐसे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू,
बिलोंग्स टू, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू या नहीं तो इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो देखो मान लो कोई ऐसे सेट है ए, इसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4, ध्यान से देखना सेट ए में चार एलिमेंट है 1 2 3 4। अब ये सेट में जो भी एलिमेंट है उसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे वन एलिमेंट है तो लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे वन बिलोंग्स टू, ठीक है, पढ़ेंगे वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे हम लोग वन, देखो इसको क्या पढ़ना है वन, ये तो वन आप जानते हो, और इस सिंबल को पढ़ना है इज एन एलिमेंट ऑफ, तो वन इस सिंबल को क्या लिखोगे तो इज एन एलिमेंट ऑफ, और उसके बाद इस सिंबल के बाद है ए, तो लिख दिए ए, मतलब वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब वन ए का एक एलिमेंट है, या वन बिलोंग्स टू ए, मतलब वन जो है वो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको, मतलब इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसलिए यूज करते हैं, मतलब कोई एलिमेंट हो सेट में तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो दो भी इसका एलिमेंट है तो लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए, देखो थ्री भी एलिमेंट है इसका तो लिखेंगे थ्री बिलोंग्स टू ए, फोर भी एलिमेंट है तो इसके लिए लिखेंगे फोर बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये सिंबल अगर मान लो इसमें कोई एलिमेंट है उसके लिए यूज कर देते हैं, लेकिन कोई अगर एलिमेंट इसमें नहीं है उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एक सिंबल होता है ऐसे लिख के, ऐसे लिख के और काटते हैं, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू के लिए, मतलब इसमें कोई एक कोई एलिमेंट नहीं है उसके लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे। अब देखो इसमें चार तक है, पांच इसमें नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइव नॉट बिलोंग्स टू ए, फाइव इसमें नहीं है तो बोलेंगे फाइव नॉट बिलोंग्स टू ए, सिक्स भी नहीं है तो बोलेंगे सिक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, सेवन नहीं है तो बोलेंगे सेवन नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी इसमें नहीं है उसके लिए हम लोग ये सिंबल देंगे, जो इसमें है उसके लिए ये सारा सिंबल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू क्या है वन टू थ्री फोर, तो हमको यहाँ पे लिखना है ऐसे वन यहाँ पे दिख रहा है तो लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ए, बस। अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब कोई ऐसे लिखे तो क्या होगा, जैसे लिखे ऐसे वन बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा गलत, वन जैसा यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर में जो दिख रहा है यहाँ पे वन दिख रहा है, तो सीधे वन बिलोंग्स टू ए लिख देना है, वन को अब ब्रैकेट में नहीं लिखना है, वन को फिर से अब ब्रैकेट में लिखोगे तो हो जाएगा गलती, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में वन लिखा हुआ इसमें नहीं है ना, इसमें सिर्फ वन है ऐसे ही खाली, तो वन बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल टू बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, टू का सेट बिलोंग्स टू ए ये लिखना गलत होगा, ठीक है, मतलब ये लिखा हो तो बोलेंगे सही चीज है, ये लिखा हो सही चीज है, ये लिखा हो तो गलत है, ये लिखा हो तो गलत है। हाँ ऐसे बोल सकते हो वन का सेट नॉट बिलोंग्स टू ए, देखो वन का सेट कहीं दिख रहा है, ये तो वन है, वन का सेट नहीं है, वन है सिंपल, तो उसके लिए ये लिख दिए। अब बोला जाए वन का सेट नॉट बिलोंग्स टू ए, तो वन का सेट इसमें नहीं है और ये बात सही बोल रहा है, बोल रहा है कि वन का सेट नॉट बिलोंग्स टू ए, ए में नहीं है, तो ये सही है। देखो वन का सेट बिलोंग्स टू ए गलत है, लेकिन वन का सेट नॉट बिलोंग्स टू ए सही है। वैसे ही टू का सेट नॉट बिलोंग्स टू ए बोला जाए कि बताओ ये सही है कि नहीं, तो एकदम सही है, क्योंकि इसमें टू है, टू बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि टू का सेट बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा, और बोला जाए टू का सेट नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि चलो अब इतना देखे तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ए इक्वल टू अब लिखा रहा है ऐसे, कभी कभी ऐसे भी होगा वन टू थ्री, देखो यहाँ पे वन ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया वन सेट में आ गया,
तो अब ऐसे नहीं लिखना है, अब लिखना है ऐसे, ठीक है? यानी अब क्या लिखना है, तो वन का सेट बिलोंग्स टू ए, देखो वन का सेट ए में है, ठीक है? तो बोलेंगे वन का सेट बिलोंग्स टू ए, मतलब अब ब्रैकेट में लिखना है, ये सही होगा। अब आप सिंपल ऐसे लिखोगे वन बिलोंग्स टू ए, तो ये अब गलत होगा, ठीक है? लेकिन टू के साथ तो लिख सकते हो, टू ऐसे ही खाली है, तो लिखोगे टू बिलोंग्स टू ए, ठीक है? तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? जो चीज इसमें हो उसके लिए हम लोग सिंबल देते हैं बिलोंग्स टू का, ठीक है? जो चीज इसमें नहीं हो उसके लिए बिलोंग्स टू का नहीं देते। मतलब देखो इसमें वन नहीं है, वन का सेट है, वन नहीं है, तो बोलेंगे वन नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है? ये सही हो जाएगा, क्योंकि वन तो नहीं है ना इसमें, वन का सेट है, ठीक है? तो ये बिलोंग्स टू लिखे तो ही सही होगा, बाकी कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है? जैसे वन बिलोंग्स टू ए लिखे, वन नॉट बिलोंग्स टू ए लिखे, तो ये तो सही होगा, क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि नॉट बिलोंग्स टू, तो इसमें है भी नहीं है, बोल रहा है नॉट बिलोंग्स टू, तब सही माना जाएगा, ठीक है? तो ये बिलोंग्स टू जो सिंबल है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, या मतलब कि ऐसे आ सकता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देता है, ठीक है? तो इसलिए मैं पूरा यहाँ पे क्लियर ही कर दिया कि ऐसा कब किस केस में बिलोंग्स टू होगा, किस केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि सेट होता क्या है, ठीक है? सेट का डिफिनीशन देखें, फिर उस पर एग्जाम्पल देखें, फिर हम लोग देखें कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, तो सेट को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और फिर हम लोग देखें ये सिंबल बिलोंग्स टू के बारे में, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ध्यान से देखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है? सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो हम लोग दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से सेट को लिखते हैं, ठीक है? आपको पूरे बुक में, मतलब पूरे इस चैप्टर में दो तरीके से सेट लिखा मिलेगा। एक जो मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग, पहला जो मिलेगा उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है? टेबुलर फॉर्म, ठीक है? और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा मिलेगा वो मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? दोनों फॉर्म क्या होता है दोनों को हम लोग समझते हैं, पहले समझते हैं तब लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो यहां पे हम लिखे, मान लो सेट ए, सेट ए इक्वल टू हम लिखे 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इसी को हम लोग लिख दें, सेट ए को ही लिख दें ऐसे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है? तो देखो दोनों एक ही चीज है, ठीक है? दोनों क्या है, तो सेम चीज है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या किए तो सारे एलिमेंट को लिख दिए, और यहां पे क्या किए तो सभी एलिमेंट को न लिख कर एक प्रॉपर्टीज लिखे, एक ऐसे लाइन लिखे जो कि उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहां पे बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ही होता है। तो आप ये लिखा है तो आप तो यही समझोगे ना, तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है? अब दोनों ये एक ही सेट है, अब रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये जिस तरीके से लिखा गया है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये सेट को, सेट ए को ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, और ये जो है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं सेट को, मतलब क्या लिखते हैं, तो एक प्रॉपर्टीज लिखते हैं, एक वर्ड, एक लाइन लिखते हैं, सेंटेंस लिख देते हैं जो कि इसी को रिप्रेजेंट करता है, ये सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है? और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने के लिए सिंपली हम लोग ब्रैकेट के अंदर में क्या करते हैं, तो सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं, सभी एलिमेंट्स को कॉमा देकर लिख देते हैं, तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है?
और हम लोग एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को न लिख के हम लोग एक एक सेंटेंस लिखें जो सेंटेंस ये सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको बोलेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलो रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेंटेंस लिखे उसको सेट बिल्डर फॉर्म और सभी एलिमेंट्स को लिख दें तो रोस्टर फॉर्म। तो लिखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो बोलते हैं इन दिस फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा इन मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, देखो क्या बोले कि इन दिस फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमा इन मिडिल ब्रैकेट, मतलब इस फॉर्म में सेट को लिखने के लिए क्या करते हैं, तो वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिख देते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमा दे देकर सारे एलिमेंट को लिखेंगे किसमें, तो मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है, तो वो कहला जाएगा कौन सा फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं कि वैसा फॉर्म जिसमें हम लोग से मतलब सभी एलिमेंट्स को ना लिख के क्या करते हैं, तो इसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो कि सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं कि इन दिस फॉर्म वी राइट ए प्रॉपर्टीज, या इसी को बोलेंगे सेंटेंस, which represents every element of set। ठीक है, इस फॉर्म में क्या करेंगे, तो इस फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टीज लिखेंगे या बोलेंगे एक सेंटेंस लिखेंगे जो कि सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही लिए, ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखने का मतलब एक वे होता है, तरीका होता है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देते हैं, जैसे सेट ए है इसको लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं एक्स। ठीक है, ऐसे जो है इसी को थोड़ा सा हम लोग सजा के लिखते हैं, कैसे, तो सेट ए इक्वल टू लिखते हैं एक्स। अब हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 ये सबके जगह पे क्या लिख दिए, तो x लिख दिए, x के बारे में बोला जा रहा है कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग। जैसे और भी एग्जांपल एक दो देखते हैं, जैसे मान लो सेट बी एक लेते हैं, ले लिए मान लो कि कुछ भी 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसको ये जो सेट है ये लिखा गया रोस्टर फॉर्म में, अब बोला गया कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सेट बी को हम लोग लिखेंगे ऐसे एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। देखो 11 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, 11 से छोटा है और इवन है और नेचुरल भी है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, तो बोलेंगे 11 से छोटा इवन नेचुरल नंबर ये है, तो सेट बी ये हो गया रोस्टर फॉर्म में और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो और भी तरीका हो सकता है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये लिखने का और भी तरीका हो सकता है, जैसे बी इक्वल टू लिखे ऐसे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, ध्यान से देखना एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये n belongs to मतलब n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, n कैपिटल n से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है,
तो क्या बोले कि x such that x equal to 2n where n belongs to natural number and n less than, अब देखो natural number यहाँ पे रखना है n के जगह पे, तो 2 into natural number even natural number आएगा, और हमको 10 तक ही रखना है, तो n का वैल्यू 6 से छोटा रखना होगा। देखो नहीं समझे, समझो यहाँ पे कैसे हम लिखे, ठीक है यहाँ पे समझाते हैं। बोल रहा है कि x क्या होगा, तो x 2n होगा, n क्या होगा, तो n नेचुरल नंबर होगा लेकिन 6 से छोटा, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, n के जगह पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटा नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो ये n का वैल्यू ये नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू ये सेट का एलिमेंट है, यानी क्या लिखोगे, x इक्वल टू देखो 2 into n है, तो n के जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, तो 2 into 1 यानी आ जाएगा 2, 1 n के जगह पे 1 रखोगे तो 2 into 1 आ जाएगा 2, फिर n के जगह पे 2 रखोगे तो 2 into 2 क्या आ जाएगा 4, n के जगह पे 3 रखोगे तो 2 into 3 क्या आ जाएगा 6, n के जगह पे 4 रखोगे तो 2 into 4 क्या आ जाएगा 8, और n के जगह पे 5 रखोगे तो 2 into 5 10। देखो यही चीज है ना, 2 4 6 8 10, यही चीज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x is even natural number less than 10, less than 11, या नहीं तो x equal to 2n, x equal to 2n, और n के बारे में लिखे कि n natural number है और 6 से छोटा natural number है, ठीक है। देखो हम दोनों तरीका इसलिए बताए क्योंकि कहीं कहीं ये तरीका एप्लीकेबल नहीं होगा, चाह के भी ये आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है, तो यही लिखना होगा, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, सी इक्वल टू लिखते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है ये लिख दिए। अब देखो इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये अभी रोस्टर फॉर्म में है, ये कैसा है, तो रोस्टर फॉर्म में ये लिखा गया है, आपको लिखना है सी को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x such that, ध्यान से देखना x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x इक्वल टू देखो यहाँ पे ऊपर जितना है उससे एक ज्यादा नीचे है, ऊपर जो है उससे एक ज्यादा नीचे है, ऊपर से एक ज्यादा नीचे, सब में एक ही जैसा है, तो लिखेंगे n by n plus 1। देखो यहाँ पे लिखे x इक्वल टू क्या, तो n by n से एक ज्यादा, मतलब ऊपर से एक ज्यादा लिख दिए n के फॉर्म में, और बोल रहे हैं कि n क्या लेना है, तो नेचुरल नंबर लेना है, एंड कैसा, तो n लेस देन 6 रखना है। अब सोचो n अगर हम नेचुरल नंबर लें, n नेचुरल नंबर लें और 6 से छोटा लें, तो n के जगह पे क्या आएगा, n के जगह पे आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब सोचो n के जगह पे 1 2 3 4 5 रखोगे इसमें, तो x का वैल्यू क्या आएगा, मेन हमको x का वैल्यू ना जो आएगा वो सारा होगा ये एलिमेंट, तो x क्या आएगा, तो सोचो x आ जाएगा यहाँ पे, n के जगह पे 1 रखो तो 1/1 + 1 यानी 1/2, फिर 2 रखो तो 2/2 + 1 यानी कि 2/2 + 1 कितना, देखो यहाँ देखो 2 + 1 = 3, फिर 3 रखो n के जगह पे तो 3/3 + 1 यानी 3/4, फिर 4 रखो तो आ जाएगा 4/4 + 1 यानी कि 4/5, फिर 5 रखो तो 5/5 + 1 यानी 5/6। देखो सारा एलिमेंट आ गया ना, तो इसलिए हम लोग ये हो गया रोस्टर फॉर्म इसका, और ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको अगर कन्वर्ट करने को दे, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे, और मान लो ये दिया रहे तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये भी दिया रह सकता है, मान लो कि सेट D इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, D इक्वल टू मान लो दिया है ऐसे, x such that x इक्वल टू मान लो दे दे मान लो n² + 1 where n belongs to natural number and n less than 5, ठीक है ध्यान से देखना, बोल रहा है कि x जो है वो n² + 1 है, और x क्या है, तो नेचुरल नंबर है 5 से छोटा, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या रखोगे, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर रखोगे 1 2 3 4, तो n के जगह पे 1 2 3 4 रखना है,
और यहाँ पे रख के बताना है कि एक्स क्या आ रहा है। जो जो एक्स आएगा वही डी का एलिमेंट होगा। ये देखो, ये है अभी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और हमको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। इसके पहले क्या लिखे थे? तो इससे पहले हम लोग लिखे थे रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग उल्टा लिखने जा रहे हैं, सेट बिल्डर लिखा है, इससे हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? तो देखो, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लेस देन फाइव है, तो एन नेचुरल नंबर और फाइव से छोटा क्या आएगा? तो 1 2 3 4, ठीक है। अब एक्स बोल रहा है कि एन स्क्वायर प्लस वन, तो एन के जगह पे वन रखो, वन रखोगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। 2 रखो एन के जगह पे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 अब प्लस 1 क्या आ जाएगा? 5। फिर एन के जगह पे 3 रखो तो 3 रखो तो 3 स्क्वायर मतलब 9 अब प्लस 1 तो आ जाएगा 10। फिर 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 1 क्या आ जाएगा? 17। ये आ गया सेट डी, ये आ गया अपना रोस्टर फॉर्म। ध्यान से देखना, रोस्टर फॉर्म ये आ गया इस सेट बिल्डर फॉर्म का। तो ऐसे हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। और रोस्टर फॉर्म मान लो दिया रहता तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते थे। थोड़ा सा दिमाग अब लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे 2 5 10 17 दे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे लिखें, ठीक है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे एक और मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मान लो सेट ई लें, सेट ई हम यहाँ पे फिर से सेट बिल्डर ले रहे हैं और हम लोग इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। देखो ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा ऐसे, ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे और भी दे सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर दे सकता है। एक्स क्या है? तो इंटीजर है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? तो बोल रहा है कि एक्स जो है वो वैसा नंबर है कि उसको स्क्वायर करें और उसको 4 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 तो एक्स क्या? प्लस माइनस 2, ठीक है। तो आप लिख दोगे क्या? तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब एक्स के जगह पे 2 हो सकता है, 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 माइनस 4 0। माइनस 2 लिखोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, अब 4 माइनस 4 0। यानी सेट ई में कौन सा एलिमेंट होगा? तो 2 होगा और माइनस 2 होगा, ठीक है, दो एलिमेंट होगा सेट ई में। तो ये देखो, ये था कौन सा? तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया आपका कौन सा? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलो और भी एग्जांपल देते हैं। मान लो सेट एफ, एफ इक्वल टू एक्स सच दैट लिखेंगे एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड रजनीकांत, ठीक है। ये रजनीकांत जो है इसके ले इसके ये जो वर्ड है, ठीक है, वैसे तो ये नाम है, ठीक है, वर्ड भी मान सकते हो। तो ये वर्ड में जो जो लेटर यूज हुआ है उसका सेट, ठीक है। एक्स क्या है? तो एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड रजनीकांत। तो ये क्या होगा? तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ऐसे। ध्यान से देखना, इसका सारा लेटर को कॉमा दे देकर लिख दो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखाना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए लिखो। तो पहले क्या लिखा आएगा? तो R, फिर क्या लिखोगे? तो A, फिर क्या? तो J, फिर N, फिर I, फिर K। अब देखो K के बाद फिर A दोबारा आ रहा है तो दोबारा लिखना नहीं है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट का एलिमेंट दो बार नहीं लिखते हैं। दो बार लिखा भी हुआ तो उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सेट A लिखा है ऐसे 1 1 2, तो ये सेटे को हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 2 लिख देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे 1 2 लिख देंगे, ये दोनों सेम ही हुआ, ठीक है। या कहोगे कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, ये मेन हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग। तो क्या लिखोगे? के, के के बाद ए दोबारा आ रहा है, ऑलरेडी लिखा चुका है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आ रहा है क्या? तो एन, तो देखो एन भी लिखा चुका है, हम लोग नहीं लिखेंगे।
फिर टी, तो टी इसमें नहीं है, यानी टी लिख देंगे। तो देखो क्या हुआ, तो ये एफ है, तो एफ इक्वल टू ये सेट है, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ लेटर ऑफ वर्ड रजनीकांत, ठीक है। तो इस ये है क्या, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या है, तो ये आ गया इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये आ गया रोस्टर फॉर्म और ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दिया रहे तो ये लिख सकते हो, ठीक है। और देखो हर एक जगह आपको रोस्टर फॉर्म दिया रहे तो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिखोगे, ठीक है। लिखोगे लेकिन बदल सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे मान लो एफ दिया रहे, आर ए जे एन आई के टी, ठीक है, तो बोला जाए इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड रजनीकांत, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड आर ए जे एन आई के टी, ये भी लिखोगे तो ये भी सही होगा। ध्यान से देखना, अगर आप ये चीज लिखते हो सिर्फ कि एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड रजनी के टी, ठीक है, आर ए जे एन आई के टी, तो ये भी सही होगा, ठीक है। क्योंकि इसको फिर से चाहोगे मतलब रोस्टर फॉर्म में बदलना तो ये आ जाएगा। तो देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लो एक और देते हैं, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इफ को ही आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, जो अब इस इतना एलिमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। आप जितना मन उतना रिपीट करा लो, यहाँ पे जैसे रजनीकांत में क्या था, ए दो बार था और एन दो बार था, आप कुछ भी रिपीट करा लो, आर आ या आर आर ए जे जे एन 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 आई के, ठीक है, के ए एन, ठीक है, टी, आप कितना भी बार रिपीट करा सकते हो या चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, पहले जे लिख दो फिर बाद में आई, ये सिर्फ वर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें आप जो है वो ये जो है रोस्टर फॉर्म तो एक ही होगा, रोस्टर फॉर्म सभी सेट का एक ही होगा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे e इक्वल टू देखा था, तो e इक्वल टू क्या था, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये था इसका सेट बिल्डर फॉर्म, और ये लिखे इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब बोला जाए कि इसी को दूसरे तरीके से, जैसे ये रोस्टर फॉर्म है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरे तरीके से लिखिए, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो इसी को देखो, इसी को एक और तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो ई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स सच दैट, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों इवन है, टू और माइनस टू दोनों क्या है, तो इवन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज, ठीक है, नॉन जीरो इवन, नॉन जीरो इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन -3 to 3। ध्यान से देखना क्या लिखे, बोले कि एक्स सच दैट एक्स इज नॉन जीरो, नॉन जीरो इसलिए लगा दिए क्योंकि जीरो भी क्या होता है, तो एक इवन नंबर होता है, ठीक है। जीरो भी क्या होता है, तो एक इवन नंबर होता है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जीरो कुछ नहीं होता है, कि नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, लेकिन जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है। रीजन कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये याद रखना इसको जीरो क्या होता है, इवन नंबर, क्योंकि जीरो को टू से डिवाइड करो, तो जीरो को टू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो आया मतलब ये एक इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया तो बोलेंगे कि ये जीरो टू से डिविजिबल है, जो भी नंबर टू से डिविजिबल होता है उसको बोलेंगे इवन नंबर। तो जीरो इवन नंबर होता है, तो इसलिए बोले एक्स इज नॉन जीरो इवन नंबर, नॉन जीरो इवन नेचुरल नंबर बिटवीन -3 to 3, मतलब -3 से 3 के बीच में इवन नंबर लेना है, लेकिन कैसा, तो नॉन जीरो, तो -3 से 3 के बीच में कौन सा इवन नंबर होगा जो कि जीरो नहीं होगा, तो -2 होगा और 2 होगा, ठीक है। तो आप इसी को ये लिख सकते हो, ये जो था ना ये रोस्टर फॉर्म, इसी को आप, ये एक तरीका तो है ही, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, या और भी तरीका आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे समझाने का प्रयास क्या है, मैं यहाँ समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि देखो रोस्टर फॉर्म है,
रोस्टर फॉर्म है वो तो फिक्स होगा, यूनिक होगा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म है उसको डिफरेंट वेज में आप लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे दो तीन तरीके से लिखा भी, ये सेट बिल्डर एक ऐसे था, हम ऐसे भी लिख दिए और ऐसे भी लिख दिए, ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन रोस्टर फॉर्म हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, तो आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। आज हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग सेट का डिफिनीशन देखे, फिर देखे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर हम लोग बिलोंग्स टू ये जो सिंबल था इसके बारे में देखे, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखे। तो आज का ये पहला लेक्चर था, कैसा लगा इसको ज़रूर बताना। ठीक है, और आज के लेक्चर पे जो है वो होमवर्क आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अगर बुक है तो उस बुक का जो सेट टॉपिक है उसका पहला एक्सरसाइज आप बनाओ। ठीक है, कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास है उस बुक से पहला एक्सरसाइज बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम के पास बुक तो होगा नहीं अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं इस दर्द को समझते हुए यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखो और क्वेश्चन को बनाना, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसको पूछ सकते हो। ठीक है, देखो तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है, आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, नेट पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उससे बनाओ, और नहीं तो इस वीडियो को पॉज करो और इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से ये क्वेश्चन लिखो और बनाओ। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। स्टार्टिंग में लिखा था ना कौन सा सेट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, देखो ये तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब जो है ये मतलब कि पहचानना है कि कौन सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। ठीक है, नीचे ये इसको भी आप पॉज करो और क्वेश्चन को लिखो बनाओ। यहाँ पे देखो ये दूसरा चीज हम लोग देखे थे ना, ए इक्वल टू इतना है तो इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। अब देखो फाइव है तो फाइव इसमें लाई कर रहा है तो फाइव के बीच में यहाँ पे देंगे बिलोंग्स टू। एट है, एट देखो इसमें लाई नहीं कर रहा है तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो वैसे ही आपको ये अप्रोप्रिएट सिंबल ये दोनों में से चूज करके देना है। ठीक है, तो आपको ये बन जाना चाहिए काफी अच्छे से। फिर देखो क्या है, तो बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना है ये सबको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में पूरा लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर क्या है चौथा, कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखो ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो तो इसको लिखना, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बताना। फिर उसके बाद से है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट के सभी एलिमेंट को लिस्ट करो, मतलब ये मतलब घुमा के क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। सेट के सभी एलिमेंट को लिस्ट करना मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो पांच नंबर में भी सेट बिल्डर है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिक्स नंबर, तो सिक्स नंबर क्या है, तो बोल रहा है कि मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो वन जो है, वन का खोजो, ये रोस्टर फॉर्म है, वन का खोजो कि इसमें से कौन सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको मिला दो। टू नंबर, ये टू थ्री का खोजो कौन रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, उससे इसको मिला दो। ठीक है, तो इसमें मैच करना है। तो ये छः क्वेश्चन जो है, छः का छः आपसे बन जाना चाहिए। जो नहीं बनेगा उसको मैं यहाँ पे मतलब पूछ लेना, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय, पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक।